माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, अभी अभी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में जो बजट पास हुआ है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यह जानकारी आपके लिए यूपी की कोई भी जॉब हो, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, एसआई और लेखपाल, सेक्रेटरी, कोई भी किसी भी प्रकार की वैकेंसी आई हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट, बेसिक जानकारी बजट से संबंधित तैयार हो जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट 2020 जो अभी अभी आया है हमारा, यह उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके साम्राज्य में किया गया? योगी सरकार के। योगी सरकार का यह चौथा बजट है, चौथा बजट, ठीक है। बजट की अमाउंट कितनी है? 5,12,860,72,00,000 रुपए। इतना बड़ा बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास के तहत 5,00,000 आवास का, जो 5,00,000 घर बनेंगे यूपी में, उसके लिए 6,240 करोड़ आवंटित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन के लिए गांव में जो पानी की दिक्कत है, शुद्ध पानी नहीं आता, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन, ये साफ सफाई से है संबंधित, इसके लिए 5,791 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ साथ गांव में जो जल जीवन मिशन है, जो शुद्ध पानी के लिए, उसके लिए 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आप लोग इसको दिमाग में रखें, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, अक्सर पेपर में पूछ सकता है। और आगे चलते हैं। मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, उसके लिए 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर होगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। युवाओं के लिए रोजगार सृजन तथा प्लेसमेंट हब, जो हमारे बेरोजगार युवक जो रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्लेसमेंट हब बनाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक, उसके लिए 1200 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, ठीक है।
कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ का, आगरा में मेट्रो के लिए 286 करोड़ का, गोरखपुर में और अदर डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो के लिए 200 करोड़ का आवंटन हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये मेट्रो के लिए हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, गोरखपुर में एक जगह है रामगढ़ ताल, वहां पर एक वाटर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स मतलब जो जो पानी में खेल कूद के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनके लिए 25 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ये 25 करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अटल आवासीय विद्यालय 270 करोड़, KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, फेमस मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज, उसके लिए 912 करोड़ का आवंटन किया गया है वहां पर, और बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी के लिए। लखनऊ में एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा, उसके लिए 50 करोड़ का आवंटन हुआ है। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में बनाया जाएगा, इसके लिए 10 करोड़ का आवंटन हुआ है। ठीक है, गांव में जल जीवन मिशन के लिए, गांव में जो पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए जो स्वच्छ पानी नहीं है उसके लिए, कहीं कहीं पानी कितना ज्यादा खारा है कि वहां पर सभी लोग परेशान हैं, इन सब के सुधार के लिए जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे जो मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसी प्रोजेक्ट को योगी जी ने आगे काम करने के लिए उठाया है, उसके लिए 2000 करोड़ का आवंटन हुआ है। यह हमारा मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। आपसे पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक जाएगा, मेरठ से प्रयागराज। इस बजट के साथ साथ कुछ चीजें आपकी जीके की भी तैयार हो रही हैं। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट, हर शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्लियर कर सकते हैं, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।